आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें जो है वाईफाई का क्यूआर कोड स्कैनर जो होता है वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। ठीक है, आप अभी देख सकते हैं जो ये वाला जो फ़ोन है, ये जो इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे शेयर क्यूआर कोड का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इस वाले फ़ोन में यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन नहीं आता है जिससे मैं वाईफाई को स्कैन करके कनेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम आ रही, किसी फ़ोन के अंदर वहाँ पर स्कैनर आपको नहीं शो हो रहा है, क्यूआर कोड शो नहीं हो रहा है, तो वो आपको कैसे लेके आना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा उस ऑप्शन को आपको कैसे लेके आना है। ये देख सकते हैं इस फ़ोन में, ये देखो ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहा है, और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे स्कैन करते हैं और सीधा आपका हो जाता है। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन को कैसे लेके आना है, तो ऑप्शन को लेके आने के लिए इस फोन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में आपको जाना है, और यहाँ पे आपको ऊपर एक सर्च बार दिखता है, सबसे पहले आप अपने फ़ोन को अपडेट कीजिए। ठीक है, अगर आपका फ़ोन अपडेट के लिए बोल रहा है तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे आपको फ़ोन अपने आप यहाँ पे अपने आप नहीं अपडेट कर लेना होगा, आपको अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे अपने फ़ोन में मैं यहाँ पे सेटिंग पर जाता हूँ और यहाँ पे मैं वाईफाई में जाता हूँ, तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे मैंने वाईफाई को यहाँ चालू किया तो ये देख सकते हैं यहाँ पे स्कैनर का ऑप्शन आ रहा है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँगा तो आप अभी देखेंगे इस टाइप से, मैं ये देखो यहाँ पे स्कैन हो जाएगा, ये देख सकते हैं नेम आ गया है। ठीक है, अब आपके फ़ोन में स्कैन करने वाला ही नहीं यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। देखो आपका यहाँ पे स्कैन वाला ऑप्शन ना आए तो फिर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे मैं इसे रिमूव करके फिर दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये देखो यहाँ पे आपको इस फ़ोन से हॉटस्पॉट को चालू कर देना है। ठीक है, हॉटस्पॉट को चालू करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद आप इस फ़ोन में जिस फ़ोन से आप नेट चलाना चाहते हैं उस फ़ोन में आपको सेटअप पोर्टेबल ऑप्शन हॉटस्पॉट पर जाना है। जो भी इसमें पासवर्ड हो, जो भी पासवर्ड हो वो इसमें आपको एंटर कर देना है। ABCD मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ, और 1 2 3 5, और यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक कर देना है। ये देखो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्यूआर कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो आपके फ़ोन में सेटिंग नहीं है, ना कभी आ सकती है। ठीक है, बहुत से क्या कहते हैं कि आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना है और यहाँ पे वाईफाई स्कैनर डाउनलोड कर लेना है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बेकार एप्लीकेशन होते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये देख सकते हैं बहुत सारे आपको एप्लीकेशन यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन आपको कोई भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी है, इसी टाइप से आपको कर लेना है। ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद।